हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो फ्रेक्स चैनल। दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर अब भगवान राम पर बनी इस फिल्म का पूरे देश में भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग्स बेहद ही घटिया और सड़क छाप लग रहे हैं, तो कई लोगों को राम बने प्रभास का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। घनी मूछे, योद्धाओं जैसे शरीर वाले प्रभास में लोगों को भगवान राम की शालीनता खल रही। प्रभास को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वे बाहुबली के किरदार से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए। प्रभास इस फिल्म में राम बने हैं, सीता की भूमिका में है कृति सेनन और रावण बने हैं सैफ अली खान। सैफ अपने लुक को लेकर ट्रॉल हो रहे हैं। फिल्म का VFX औसत दर्जे का लग रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्म के ग्राफिक्स बेहद कमजोर है। यह फिल्म अपने टीजर के लॉन्च के दिनों से ही विवादों के केंद्र में है। लोग इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर संवाद अदायगी तक सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा इतराज फिल्म के किरदारों के लुक पर है। ज्यादातर लोगों को फिल्म के किरदारों का कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि राम ना तो राम लग रहे हैं, लक्ष्मण का लुक भी मैच नहीं हो रहा है। हनुमान का लुक रामानंद सागर वाले रामायण से बिल्कुल अलग। लोग अरुण गोविल के लुक से प्रभास की तुलना कर रहे हैं, जो उनके लुक से बेहद उलट। ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। अब इसी कारण कई हिंदू संगठनों ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। फिल्म पर बैन लगाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने भांग पीकर इस फिल्म को रिलीज किया है। यह फिल्म हिंदुओं की आस्था के साथ एक बद्धा मजाक। दोस्तों, आदि पुरुष का विरोध केवल भारत तक ही नहीं, नेपाल के लोग भी फिल्म पर भड़के हुए हैं। थिएटर मालिकों का कहना है कि जब तक फिल्म के कुछ डायलॉग्स नहीं हटाए जाएंगे, फिल्म को नेपाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। नेपाल में थिएटर मालिक इस बात से नाराज हैं कि आदि पुरुष में सीता माँ को भारत की बेटी बताया गया। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर ने मांग की है कि अगर ये लाइन हटाई नहीं जाती तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल फिल्म में एक डायलॉग है, जानकी भारत की बेटी है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार सीता माँ का मायका जनकपुर को माना जाता है और जनकपुर नेपाल। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म मूल रामायण का अपमान। इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। फिल्म देखकर लौटे एक दर्शक ने कहा कि धार्मिक फिल्म को भी बम्बैया फिल्म बना दिया गया। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के फिल्मों के डायलॉग चल रहे हैं। एक सीन में भगवान हनुमान का डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, चलेगी भी तेरे बाप की। दूसरे सीन में अशोक वाटिका के रखवाले हनुमान से कहते हैं, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चलाया, फिल्म में जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगी उनकी लगा दी। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं और मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। जैसे कई बद्धे और वाहिया डायलॉग इस फिल्म में भरे पड़े हैं। तो अब दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही ऐसी खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल वीडियो फ्रिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।